हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने है मारुति सुजुकी की अल्फा प्लस बलिनो, एंड ये आप देख रहे हैं इसका टॉप एंड ट्रिम है। लॉक अनलॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, हेडलैम्प्स एंड डीआरएल्स आपको कुछ इस टाइप से मिलते हैं, एंड ये न्यू एज है, न्यू जनरेशन है अल्फा प्लस। तो आज हमारे पास में आइए, ऑफकोर्स ही बात है गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ काम होने वाला है। तो क्या होने वाला है, जिसके बेसिक स्पीकर्स कंपनी दे रही है ना टॉप एंड ट्रिम के अंदर, उसमें बेस आउटपुट नहीं आ रहा है, ट्रेबल तो बढ़िया आ रहा है। अभी आप यहाँ पर देख लो, मात्र 16 किलोमीटर चली है गाड़ी, और जो गाड़ी के ऑनर है ना, उन्हें जो इसके अंदर से बेस आउटपुट है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो गाड़ी के अंदर में बेस आउटपुट के लिए हम लगाने वाले हैं पाइनियर का एम्प एक, और पीछे बेस ट्यूब लगाने वाले हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि जो एम्प है वो कौन सा हम फिट करने वाले हैं, कितने वॉट का फिट कर रहे हैं, एंड जो बेस ट्यूब है वो कौन सी लगा रहे हैं। देखो, ये जो वायरिंग है हाई गेज में, जो वायरिंग है वो जा रही है ब्लॉपन की, तो ये बैटरी तक जाती है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक सेक्शन रहता है जो हमारा इंजन पे होता है ना, वहाँ पर जाकर कनेक्ट होता है। तो यहीं से वायरिंग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी से ही जो पूरा सप्लाई है वो लेंगे, कहीं पर भी वारंटी वर्ड नहीं होगी। यहाँ से नहीं ले रहे हैं हम, इस एरिया से भी नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लो, जो वायरिंग है वो हाई गेज में है, तो जो भी टर्मिनल्स हैं उनको लिया जा रहा है अच्छे से। एंड यहाँ पर रखा हुआ है ये बॉक्स पाइनियर, देख लीजिए आप, ये 2x1 चैनल लिखा हुआ है इस पर, 500 वॉट्स का मैक्सिमम आउटपुट ये देता है। और यहाँ पर आप देख लो सीरियल नंबर, अगर आपको यही सिस्टम अपनी गाड़ी के अंदर लगाना है, मतलब यही एम, तो ये लिखा हुआ है GME7002, तो इसको आप ज़रूर लिख कर रख लो। और ये 2 चैनल है, अब पाइनियर में 4 चैनल भी आता है, तो आपके ऊपर है कि आपको 2 चैनल में जाना है या फिर 4 चैनल में जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आप देखिए हाई लो कन्वर्टर, ये है वोल्टेटेक का हम यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होता है ना, जब भी गाड़ी के अंदर हम ये एम्प फिटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो साउंड है ना, उसमें आपको जो आवाज़ है ना वो क्रिस्टल क्लियर नहीं आती। जब भी गाड़ी एकदम हाई आरपीएम पर आप लेकर जाते हैं, थोड़ा सा जो नॉइस है वो क्रिएट होती है स्पीकर्स में से, वो आप चीज़ समझ पाएंगे अगर आप एम्प वगैरह फिट कराते हैं। तो ये हाई लो कन्वर्टर इसलिए यूज़ होता है ताकि वो जो साउंड है ना, वो नॉइज़ है वो ना आए, वो इरीटेटिंग नॉइज़ ना आए, तो इसीलिए उस चीज़ को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, ये है मैन एम्प, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है पाइनियर 500 वॉट्स का मैक्सिमम आउटपुट पावर के साथ में GME7002, तो ये यहाँ पर लगने वाला है। और ये देख लो आप, JBL की GTX 1300 THE सीरीज़ का यहाँ पर बूफर इंस्टॉल हो गया है गाड़ी के अंदर में। वायरिंग अभी हालांकि नहीं हुई है, तो अभी आपको हम थोड़ा सा इसको टिल्ट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, ये जो सेक्शन है, यहाँ से अच्छा खासा बेस आने वाला है, बेस जनरेट होने वाला है। ये देखिए 1300 वॉट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एंड ये इसकी जो कवरिंग है ना, इसलिए दी है क्योंकि जो बूफर हो ना वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी अगर वेट वगैरह आए तो इसके ऊपर ना आए, नहीं तो फट जाएगा ना बूफर, इसलिए इस चीज़ को पूरा कर रखा है। और ये देखो सिलेंडर टाइप में रहता है, बॉक्स वाला भी आता है, सिलेंडर टाइप ना ज़्यादा स्पेस ले लेता है, आपकी गाड़ी में अगर स्पेस है तो नो प्रॉब्लम। बॉक्स वाले कहाँ पर फिट हो सकते हैं, जहाँ पर CNG वगैरह अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर फिट कराई है, तो वहाँ पर बॉक्स ही कारीगर रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने स्पेस के अकॉर्डिंगली फिट करा सकते हो जिस टाइप की आपको बेस ट्यूब चाहिए। अभी यहाँ पर ये काम वगैरह चल रहा है, तो ये अपने भाई वायरिंग वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर टेप वगैरह अच्छे से फिट कर रहे हैं, जिससे वायरिंग वगैरह अच्छी तरीके से पूरा जा सके। तो ये हो रहा है, यहाँ पर देखो आप, ये सेक्शन भी ओपन हो चुका है। अब ये देखो, ये होता है मेन बैटरी टर्मिनल, ये सेक्शन होता है, तो यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर एक सेक्शन होता है जहाँ से पूरी वायरिंग आई है, तो ये देखो, ये जितने भी इंजन की वायरिंग होती है ना, ये भी इसी पार्ट से जाती है, तो इसी पार्ट से हमने ये जो वायरिंग है इसको भी लेकर आ गए हैं, और कोई भी कटिंग वगैरह इसमें नहीं हुई है। तो ये अभी पॉजिटिव टर्मिनल में जुड़ जाएगा, एंड नेगेटिव तो आपको मालूम है पूरी बॉडी के अंदर रहता है कार की, तो वो तो कहीं पर भी हम जोड़ सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉजिटिव हमने बैटरी से ले लिया है। अब यहाँ पर देखो, जो वायरिंग कनेक्शन है वो आधे हो चुके हैं, अभी बूफर से जो लाइन है ना उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको नॉर्मल सॉन्ग प्ले कर देते हैं हम, 2 सेकंड सुनाएंगे जिससे कॉपीराइट नहीं आए, तो यहाँ पर आप सुन लो, लगा दो भाई। अब भाई लगा रहे हैं डायरेक्ट बूफर कनेक्ट, देखो जो बेस है वो काफी अल्टीमेट आ रहा है, तो अभी पूरा कनेक्शन हो जाने देते हैं, देन आपको सुनाते हैं साउंड। अब गाड़ी के अंदर पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है, अल्फा प्लस वेरिएंट है ये, यहाँ पर आप देख लो हेडसअप डिस्प्ले है जो बहुत प्यारा लगता है। और भाई गाड़ी के अंदर 1300 वॉट का जो बेस ट्यूब है ना JBL का, वो नो डाउट काफ़ी अच्छा साउंड दे रहा है। अब आपको ना इंस्टाग्राम पर टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल पर जो नॉर्मल इंडियन सॉन्ग है ना, पंजाबी सॉन्ग, वो सुनने को मिलेगा, तो आप उधर ज़रूर जाना। एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड बेल आइकन पर टैप कर लेना।
अब ये गाड़ी के अंदर 500 वॉट का एम्प लगा दिया है को पैसेंजर के नीचे। जहां पर आती है वायरिंग की बात, सॉर्टेड तरीके से पूरी वायरिंग करी है। यहां पर देख लो कोई भी वायरिंग वगैरह आपको ऐसी एक्सपोज्ड वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। एंड अगर कभी कस्टमर चाहते हैं कि पूरी उनकी वायरिंग निकल जाए, कभी वो क्लेम वगैरह लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आराम से वायरिंग वगैरह भी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी वायरिंग को हमने छेड़ा नहीं है जो कंपनी से आती है, ठीक है। अब यहां पर हम गाने को प्ले कर लेते हैं, आपको सॉन्ग सुनाते हैं कि सॉन्ग कैसा आउटपुट आ रहा है। तो यहां पर हमने सॉन्ग प्ले कर दिया है अपना NCS एंड फुल पे फुल। जो भी हमने इक्विपमेंट लगाए इसके अंदर 1 ईयर की वारंटी आती है, JBL में भी है, अपना एम्प में भी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको 1 साल तक, और 1 साल के बाद भी अच्छा चलेगा। और यहाँ से आप फेडर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो अपना, तो इसको हम यहीं पर अभी रख देते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। और हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये चीज़ कराना है तो आप आ सकते हो स्टार कार डेकोर एंड एसेसरीज पर, नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। एंड अभी बाय द वे गाड़ी स्टार्ट है, देखो बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है ये, देखो बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया। चलो हेड्स अप डिस्प्ले भी अपना डाउन हो गया और हम भी बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।